चुप चपीते केंद्र सरकार लेके आ रही है बिजली शोध एक्ट 2022। इस नाल बंद हो सकती है किसानों अते आम लोगों नूं मिलन वाली मुफ्त बिजली सहूलत। सत्याकाल जी, तुसीं जुड़े हुए हो लिविंग इंडिया न्यूज़ दे नाल ते मैं हाँ तुहाड़े नाल जसप्रीत। खेतीबाड़ी कानूनों की तरह ही केंद्र सरकार चुप चपीते हुण बिजली सोध एक्ट 2022 लेके आ रही है, जिस नाल किसानों नूं ते आम लोगों नूं मिलन वाली मुफ्त बिजली सहूलत बंद हो सकती है। दस दिए कि केंद्रीय बिजली मंत्री दे वल्लों तैयार किए गए खरड़े नूं अंतिम रूप भी दे दिता गया है, पर हैरानीजनक गल यह है कि इस नूं लैके सूबियां तो कोई भी सुझाव नहीं लिया गया ते ना ही कोई विचार वटांदरा किया गया। कह सकते हैं कि चुप चपीते एक बार फिर तो केंद्र सरकार दे वल्लों एक चाल चली गई है। इस तो पहला खेतीबाड़ी कानून जिहड़े है वह लैके आई सी केंद्र सरकार, जिन्हों का बहुत ज़्यादा विरोध होने तो बाद उन्होंने कानूनों वापस ले लिया गया, तो हूँ ये बिजली सोध एक्ट 2022 लैके आ रही है केंद्र सरकार, जिसका कि हालांकि पहला भी विरोध होया सी कि एक्ट नहीं होना चाहिए, तो हूँ जो इसका खरड़ा तैयार किया गया तो उस सूबा सरकार कोई भी उन्होंने विचार वटांदरा जोड़ा है वह नहीं किया गया। जेकर ये एक्ट लागू हो जाता है तो इस दिया की हानियां होनगिया, आम लोगों के उत्ते इसका की प्रभाव पेगा, किसानों मिलने वाली मुफ्त सहूलत किवें बंद होएगी, आओ विखाने इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार किसानों के नाल एक बार फिर तो वादा खिलाफी कर जा रही है। केंद्र बिजली सोध एक्ट 2022 लेके आ रही है। दरअसल केंद्रीय बिजली मंत्री ने इस खरड़े नूं अंतिम रूप भी दे दिता है, पर उधर ही दूजे पासे इस नूं लेके सूबियां तो कोई भी सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। खेती कानूनों वांग बिजली सोध बिल पेश करन तो पहला किसी भी धिर नूं विचार चर्चा दे विच शामिल भी नहीं किया गया। पंजाब सरकार बिजली सोध बिल अते इस दे विषय वस्तु तो बिल्कुल अनजाण है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने 2 अगस्त नूं बिजली सोध बिल दे खरड़े नूं अंतिम रूप दे दिता है। माहिरां अनुसार इस बिल दा खरड़ा केंद्रीय बिजली मंत्रालय दी वैबसाइट दे उत्ते भी नहीं पाया गया। सूत्रां मुताबिक बिजली सोध बिल तैयार करन तो पहलां अते उस तो बाद केंद्र सरकार ने किसे भी सूबे नूं पुछिया तक नहीं, जदों कि बिजली दा विशा समवर्ती सूची दे विच आउंदा है अते इस दे लई सूबे दे नाल मशवरा करना जरूरी हुंदा है। बिल ते आम लोगों तो भी कोई इतराज नहीं मंगया गया। केंद्र सरकार ने वादा किया सी कि बिजली सोध बिल संसद दे विच नहीं लिया जाएगा, अते हुण किसान धिरां दे नाल इस मामले दे विच केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है। बिजली सोध बिल जेकर एक्ट का रूप धारण कर लैंदा है तो सूबियां दे विच बिजली की वंड का खेतर निजी कंपनियां दे लई खोल दिता जाएगा अते सूबाई बिजली रेगुलेटर कमिश्नर दे हाथ भी बनने जाएंगे। माहिरां दी मन्नी है कि बेशक मुढ़ले पड़ा ते बिजली सोध बिल जरिए प्राइवेट कंपनियां नूं बिजली दे डिस्ट्रीब्यूशन दा काम दिता जाएगा, पर इह केंद्र सरकार दा लुकवां एजेंडा हो सकता है, क्योंकि निजीकरण मगरों खपतकारां तों सबसिडियां खो लईआं जाणगीआं। पंजाब च वी ओह दिन दूर नहीं है जदों किसानां दे कोलों मुफ्त बिजली दी सहूलत खुस जाएगी। बिजली सोध बिल दे अनुसार सूबे दा रेगुलेटर जेकर प्राइवेट कंपनियां नूं लाइसेंस देण तों इनकार करेगा तां केंद्रीय रेगुलेटरी कमिशन इस कंपनियां नूं लाइसेंस दे सकदा है। इस लिहाजे दे नाल सूबियां दे बिजली रेगुलेटर कमिशन एक तरह दे नाल डमी बन के रह जाणगे। पीएसईबी इंजीनियर एसोसिएशन दे प्रधान जसबीर सिंह धीमान दा कहना है कि यह बिल बिजली वंड दे काम विच निजीकरण दे राह खोलण वाला है, ते माहिर आखदे ने इस दे नाल प्राइवेट कंपनियां दे कोल बिजली सप्लाई दी जिम्मेवारी होएगी। इस लई प्राइवेट कंपनियां मुनाफे वाले खेतरां सनअती अते कमर्शियल खपतकारां नूं ही बिजली सप्लाई करन दी तरजीह देणगीआं। इस दे नाल मुफ्त बिजली दी जिहड़ी सहूलत है उस दे उत्ते ब्रेक लग सकती है, उस दे उत्ते जो है रोक लग सकती है। तां केंद्र सरकार दे वल्लों एक बार फिर तो किसानां दे लई एक वड्डी मुसीबत खड़ी कर दित्ती गई है। जेकर इह एक्ट लागू हो जांदा है तो फिर सूबा सरकार का ज़्यादातर अधिकार खत्म हो जाएगा, महज कह सकते हैं कि एक डमी की तरह वह काम करेगी, बाकी सारा कुछ निजीकरण भाव कि एक निजी हाथों के चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।